ओम शांति। ऑडियो बुक का नाम है शुभ भावना शुभ कामना पार्ट टू। 18 जनवरी 1981 के महावाक्य। अपनी शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैलाते रहेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। ऐसे पुरुषार्थी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ सहज हो जाता है। सहज योगी के आगे कितनी भी बड़ी बात ऐसे सहज हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सूली से काटा। तो ऐसे सहज योगी हो ना। बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती, तो मेहनत का काम भी बचपन की बातें है। अब मेहनत समाप्त, सब में सहज। जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहाँ उसी स्थान पर बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती, बाप पर रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देंगे। जैसे सागर में किचड़ा डालते हैं तो वह अपने में ही नहीं रखता, किनारे कर देता, ऐसे बाप भी बोझ को खत्म कर देते। जब पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता। मेहनत में टाइम वेस्ट होता। अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत मजदूर करते, आप तो अधिकारी है। 20 जनवरी 1981 के महावाक्य। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है। वाणी की परसेंटेज कम और मनसा की परसेंटेज ज्यादा होती है। अर्थात संकल्प द्वारा, शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो। साथ साथ आत्मा की और भी विशेष दो शक्तियां, बुद्धि और संस्कार, तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। 13 अप्रैल 1981 के महावाक्य। रूहे गुलाब की सदा रूहानी भावना रहती कि सर्व रूहे हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। परवश आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सहयोग दे, उन्हों को भी अनुभव करावे। किसी की भी कमजोरी और कमी को नहीं देखेंगे। अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देने वाला दाता बनेंगे। ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी, अन्य आत्माओं के लिए महादानी। यह ऐसा है, यह भावना नहीं, लेकिन इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना, साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना। यह सर्व आत्माएं कंगाल दुखी अशांत से सदा शांत स्वरूप सुख रूप माला माल बन जाए। सदा स्मृति में एक ही धुन होगी कि विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी कैसे हो। इसको कहा जाता है रूहे गुलाब। 24 अक्टूबर 1981 के महावाक्य। पहले आप वाला ही हाजी कर सकता है।
इसीलिए मुख्य बात है पहले आप, लेकिन शुभ भावना से, कहने मात्र नहीं लेकिन शुभ चिंतक की भावना से। शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के आधार से पहले आप करने वाला स्वयं ही पहले हो जाता है। पहले आप कहना ही पहला नंबर होना है। जैसे बाप ने जगदम्बा को पहले किया, बच्चों को पहले किया, लेकिन फिर भी नंबर वन गया ना। इसमें कोई स्वार्थ नहीं रखा, निस्वार्थ पहले आप कहा, करके दिखाया। ऐसे ही पहले आपका पाठ पक्का हो, इसने किया अर्थात मैंने किया, इसने क्यों किया, मैं ही करूं, मैं क्यों नहीं करूं, मैं नहीं कर सकता हूं क्या, यह भाव नहीं। उसने किया तो भी बाप की सेवा, मैंने किया तो भी बाप की सेवा। यहाँ कोई को अपना अपना धंधा तो नहीं है ना, एक ही बाप का धंधा है। ईश्वरीय सेवा पर हो, लिखते भी हो गॉडली सर्विस, मेरी सर्विस तो नहीं लिखते हो ना। जैसा बाप एक है सेवा भी एक है, ऐसे ही इसने किया मैंने किया वह भी एक। जो जितना करता उसे और आगे बढ़ाओ। मैं आगे बढ़ू नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो। सबको साथ लेकर जाना है ना, बाप के साथ सब जाएंगे अर्थात आपस में भी तो साथ साथ होंगे ना। जब यही भावना हरेक में आ जाए तो ब्रह्मा बाप की फोटो स्टेट कॉपी हो जाओ। 24 अक्टूबर 1981 के महावाक्य। हर संकल्प सर्व प्रति शुभ भावना और कामना का, यही बड़े ते बड़ा पुण्य है। 27 अक्टूबर 1981 के महावाक्य। जहाँ आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान हो नहीं सकता। एक दो मकान के आगे नुकसान होगा लेकिन आप सेफ होंगे। सामने दिखाई देगा यह हो रहा है, तूफान आ रहा है, धरणी हिल रही है, लेकिन वहां सूली होगी, यहाँ काटा होगा, वहां चिल्लाना होगा, यहाँ अचल होंगे। सब आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। आपका स्थान ऐश्लम बन जाएगा, तब सबके मुख से ओहो प्रभु आपकी लीला अपरंपार है यह बोल निकलेंगे। धन्य हो धन्य हो, आप लोगों ने पाया हमने नहीं जाना गवाया, यह आवाज चारों ओर से आएगा। फिर आप क्या करेंगे, विधाता के बच्चे विधाता और वरदाता बनेंगे। लेकिन इसमें भी ऐश्लम लेने वाले भी स्वतः ही नंबरवार होंगे। जो अब से अंत तक व स्थापना के आदि से अब तक भी सहयोग भाव में रहे हैं, विरोध भाव में नहीं रहे हैं, मानना न मानना अलग बात है, लेकिन ईश्वरीय कार्य में व ईश्वरीय परिवार के प्रति विरोध भावना के बजाय सहयोग का भाव, कार्य अच्छा है व कार्यकर्ता अच्छे है, यही कार्य परिवर्तन कर सकता है। ऐसे भिन्न भिन्न सहयोगी भावनाएं वाले ऐसे आवश्यकता के समय इस भावना का फल नजदीक नंबर में प्राप्त करेंगे अर्थात ऐश्लम के अधिकारी नंबर वन बनेंगे। बाकी इस भावना में परसेंटेज वाले उसी परसेंट प्रमाण ऐश्लम की अंजलि ले सकेंगे। बाकी देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। जो अभी भी कहते हैं देख लेंगे तुम्हारा क्या कार्य है, वाह देख लेंगे आपको क्या मिला है, जब कुछ होगा तब देखेंगे, ऐसे समय की इंतजार करने वाले ऐश्लम के इंतजाम के अधिकारी नहीं बन सकते। उस समय भी देखते ही रह जाएंगे, हमारी बारी कब आती है इसी इंतजार में ही रहेंगे। और
आप दूर में इंतजार करने वाली आत्माओं को भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना श्रेष्ठ बनने के कामना की किरणें चारों ओर की आत्माओं पर विश्व कल्याणकारी बन डालेंगे। फिर कितनी भी विरोधी आत्माएं हैं, अपने पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को जलता हुआ बेचैन अनुभव करेंगी और आप शीतला देविया बन रहम दया कृपा की शीतल छीटों से विरोधी आत्माओं को भी शीतल बनाएंगी, अर्थात सहारे के गले लगाएंगी। उस समय आपके भक्त बन ओ माँ पुकारते हुए विरोधी से बदल भक्त बन जाएंगे। यह है आपके लास्ट भक्त। तो विरोधी आत्माओं को भी अंत में भक्तपन की अंजलि जरूर देंगे, वरदानी बन भक्त भव का वरदान देंगे। फिर भी है तो आपके भाई ना, तो ब्रदरहुड का नाता निभाएंगे। 26 अक्टूबर 1981 के महावाक्य। अमृत वेले से लेकर सहयोगी बनो, सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य एक शब्द रखो कि सहयोग देना है, सहयोगी बनना है। अमृत वेले बाप से मिलन मनाकर बाप समान मास्टर बीज रूप बन मास्टर विश्व कल्याणकारी बन सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति के पानी मिलने का अनुभव हो। ऐसे अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना हो। चाहे व्यवहार के कार्य में जाते हो, प्रवृत्ति को चलाने के कार्य में रहते हो, लेकिन सदा यह चेक करो, लौकिक व्यवहार में भी स्व प्रति व साथियों के प्रति शुभ भावना और कामना से वायुमंडल रूहानी बनाने का सहयोग दिया व ऐसे ही रिवाजी साधारण रीति से अपनी ड्यूटी बजा कर आ गए। जैसे जिसका ऑक्यूपेशन होता है वह जहाँ भी जाएंगे अपने ऑक्यूपेशन प्रमाण कार्य जरूर करेंगे। आप सबका विशेष ऑक्यूपेशन ही है सहयोगी बनना, वह कैसे भूल सकते। तो हर कार्य में सहयोगी बनना है, अर्थात सहज योगी बन जाएंगे। कोई भी सेकन सहयोगी बनने के सिवाय न हो। चाहे मनसा में सहयोगी बनो, चाहे वाचा से सहयोगी बनो, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा सहयोगी बनो, चाहे स्थूल कर्म द्वारा सहयोगी बनो, लेकिन सहयोगी जरूर बनना है, क्योंकि आप सभी दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे सदा देते रहते हैं, तो क्या देना है, सहयोग। 10 जनवरी 1982 के महावाक्य। जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा, ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, महसूसता हो, जो हर एक समझे कि यह मेरी माँ है। यह बेहद की पालना, हर एक से मेरे पन की भावना आए, हर एक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक सहयोगी सेवा के साथी है। इसको कहा जाता है बाप समान, इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन, जो सेवा के कर्म के भी बंधन में न आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत, तो समझा इस वर्ष क्या करना है, कर्मातीत बनना है। और यह वही है, यही सब कुछ है, यह महसूसता दिलाए, आत्माओं को समीप लाना है, ठिकाने पर
लाना है। 29 मार्च 1982 के महावाक्य, परमात्मा संतान और कोई गुण न हो यह हो नहीं सकता। उसी गुण के आधार से ही ब्राह्मण जन्म में जी रहे हैं, अर्थात जिंदा है। ड्रामा अनुसार उसी गुण ने ही ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा बनाया है। उसी गुण के कारण ही प्रभु पसंद बने हैं, इसीलिए गुणों की माला बना रहे थे। ऐसे ही हर ब्राह्मण आत्मा के गुण को देखने से श्रेष्ठ आत्मा का भाव सहज और स्वतः ही होगा, क्योंकि गुण का आधार है ही श्रेष्ठ आत्मा। कई आत्माएं गुण को जानते हुए भी जन्म जन्म की गंदगी को देखने के अभ्यासी होने कारण गुण को न देख अवगुण ही देखती है। लेकिन अवगुण को देखना, अवगुण को धारण करना ऐसी ही भूल है जैसे स्थूल में अशुद्ध भोजन पान करना। स्थूल भोजन में अगर कोई अशुद्ध भोजन स्वीकार करता है तो भूल महसूस करते होना, लिखते होना कि खान पान की धारणा में कमजोर हूँ, तो भूल समझते होना। ऐसे अगर किसी का अवगुण अथवा कमजोरी स्वयं में धारण करते हो तो समझो अशुद्ध भोजन खाने वाले हो, सच्चे वैष्णव नहीं, विष्णु वंशी नहीं, लेकिन राम सेना हो जाएंगे। इसीलिए सदा गुण ग्रहण करने वाले गुण मूर्त बनो। अवगुण तो किचड़ा है ना, अगर देखते भी हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन किचड़े को जलाने की शक्ति है, तो शुभ चिंतक बनो। बुद्धि में जरा भी किचड़ा होगा तो शुद्ध बाप की याद टिक नहीं सकेगी, प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। गंदगी को धारण करने की एक बार अगर आदत डाल दी तो बार बार बुद्धि गंदगी की तरफ न चाहते भी जाती रहेगी, और रिजल्ट क्या होगी, वह नेचुरल संस्कार बन जाएंगे। फिर उन संस्कारों को परिवर्तन करने में मेहनत और समय लग जाता है। दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी पर चिंतन के अवगुण के वशीभूत होना है, लेकिन यह समझते नहीं हो। दूसरे की कमजोरी वर्णन करना अपने समाने की शक्ति की कमजोरी जाहिर करना है। किसी भी आत्मा को सदा गुण मूर्त से देखो। अगर किसी की कोई कमजोरी है भी, मर्यादा के विपरीत कार्य है भी, तो बाप दादा की निमित्त बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट में लाओ, खुद ही वकील और जज नहीं बन जाओ। भाई भाई का नाता भूल वकील और जज नहीं बन जाओ। भाई भाई का नाता भूल वकील जज बन जाते हो, इसीलिए भाई भाई की दृष्टि टिक नहीं सकती। केस दाखिल करने की मना नहीं है, लेकिन मिलावट और खयानत नहीं करो। जितना हो सके शुभ भावना से इशारा दे दो, न अपने मन में रखो और न औरों को मनमनाभव होने में विघ्न रूप बनो। 6 अप्रैल 1982 के महावाक्य। बाप दादा के आगे अर्जियों के लंबे चौड़े फाइल रख देते हैं। कोई अर्जी डालते कि 1 मास से परेशान हूँ, कोई कहते 3 मास से नीचे ऊपर हो रहा हूँ, कोई कहते 6 मास से सोच रहा था लेकिन ऐसे ही था। इतनी अर्जियां मिलकर फाइल हो जाती। लेकिन यह भी सोच लो, जितनी बड़ी फाइल है उतना फाइन देना पड़ेगा। इसीलिए अर्जी को खत्म करने का सहज साधन है सदा बाप की मर्जी पर चलो। मेरी मर्जी यह है तो वह मन मर्जी अर्जी की फाइल बना देती है। जो बाप की मर्जी वह मेरी मर्जी। बाप की मर्जी क्या है? हर एक आत्मा सदा शुभ चिंतन करने वाली, सर्व के प्रति सदा शुभ चिंतक रहने वाली, स्वकल्याणी और विश्व कल्याणी बने। इसी मर्जी को सदा स्मृति में रखते हुए बिना मेहनत के चलते चलो।
जैसे कहा जाता है आंख बंद करके चलते चलो, ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं होगा, यह आंख नहीं खोलो। यह व्यर्थ चिंतन की आंख बंद कर बाप की मर्जी अर्थात बाप के कदम पीछे कदम रखते चलो। पांव के ऊपर पांव रखकर चलना मुश्किल होता है व सहज होता है, तो ऐसे सदा फॉलो फादर करो। 8 अप्रैल 1982 के महावाक्य। महादानी वरदानी बनने का आधार है महात्यागी। महात्यागी बनने के बिगर महादानी वरदानी नहीं बन सकते। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले निस्वार्थी। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। सदा स्वयं में गुणों शक्तियों और ज्ञान के खजाने से संपन्न आत्मा, सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना तथा सर्व का कल्याण हो, ऐसी श्रेष्ठ कामना रखने वाली सदा रूहानी रहम दिल फराक दिल ऐसी आत्मा वरदानी बन सकती है। 31 दिसंबर 1982 के महावाक्य। सदा हरेक को एक अलौकिक गिफ्ट देते रहना। जैसे बड़े आदमी कहाँ जाते हैं व उनके पास कोई आते हैं तो खाली हाथ न जाते हैं। आप सब भी बड़े ते बड़े बाप के बच्चे बड़े ते बड़े हो ना। कभी भी किसी भी ब्राह्मण आत्मा से व किसी से भी मिलते हो तो कुछ देने के बिना कैसे मिलेंगे। हरेक को शुभ भावना और शुभ कामना की गिफ्ट सदा देते रहो। विशेषता दो और विशेषता लो, गुण दो और गुण लो, ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो। चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन आप शुभ भावना की गिफ्ट दो। शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना की गिफ्ट का स्टॉक सदा भरपूर रहे। यह संकल्प मात्र भी उत्पन्न न हो कि आखिर भी कहाँ तक शुभ भावना से देखे, आखिर भी कोई हद है वा नहीं। यह संकल्प भी सिद्ध करता है कि इस गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक जमा नहीं है। 9 जनवरी 1983 के महावाक्य। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। जिसको आप लोग कहते हो अपने को एडजस्ट करना है, किनारा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। हंस और बबुले की बात अलग है, उनों की आपस में खिटखिट है। वह भी जहां तक हो सके उसके प्रति शुभ भावना से ट्रायल करना अपना फर्ज है। कई ऐसे भी मिसाल हुए हैं जो बिल्कुल एंटी थे, लेकिन शुभ भावना से निमित्त बनने वाले से भी आगे जा रहे हैं। तो शुभ भावना से फुल फोर्स से ट्रायल करनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर डायरेक्शन लेकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे किनारा कर देने से कहां डिसर्विस भी हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाली ब्राह्मण आत्मा की कमी होने के कारण अन्य आत्माएं भी भाग्य लेने से वंचित रह जाती है। इसीलिए पहले स्वयं ट्रायल करो, फिर अगर समझते हो यह बड़ी प्रॉब्लम है तो निमित्त बनी आत्माओं से वेरीफाई कराओ। फिर वह भी अगर समझती है कि अलग होना ही ठीक है, फिर अलग हुए भी तो आपके ऊपर जवाबदारी नहीं रही, आप डायरेक्शन पर चले, फिर आप निश्चिंत। अगर समझो बाप ने निमित्त बनाया है तो बाप जो कार्य करते उसमें कल्याण ही है। अगर उसकी कोई ऐसी बात अच्छी न भी लगती है, रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि सब पुरुषार्थी है। अगर रॉन्ग भी है तो अपनी शुभ भावना से ऊपर दे देना चाहिए, ईर्ष्या के वश नहीं। लेकिन बाप की सेवा सो हमारी सेवा है,
इस शुभ भावना से श्रेष्ठ जिम्मेवारी से ऊपर बात दे देनी चाहिए। देने के बाद खुद निश्चिंत हो जाओ, फिर यह नहीं सोचो कि यह बात दी फिर क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं, हुआ वा नहीं, यह जिम्मेवारी बड़ों की हो जाती है। आपने शुभ भावना से दी, आपका काम है अपने को खाली करना। अगर देखते हो बड़ों के ख्याल में बात नहीं आई तो भल दोबारा लिखो, लेकिन सेवा की भावना से। अगर निमित्त बने हुए कहते हैं कि इस बात को छोड़ दो तो अपना संकल्प और समय व्यर्थ नहीं गवाओ। 26 जनवरी 1983 के महावाक्य। सबसे बड़े ते बड़ी देन है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े ते बड़ी विशेष देन। इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। जैसे कोई खाली स्थान होता है तो ऑलराउंड सेवाधारी समय प्रमाण जगह भर देते हैं। ऐसे अगर किसी भी द्वारा कोई शक्ति की कमी अनुभव भी हो तो अपने सहयोग से जगह भर दो, जिससे दूसरे की कमी का भी अन्य कोई को अनुभव न हो। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे बन समय प्रमाण उसे सहयोग की देन देना। 27 फरवरी 1983 के महावाक्य। नए स्थान पर सेवा की सफलता का आधार। जब भी किसी नए स्थान पर सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने और शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा से सफलता को पाएंगे। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन एक ही समय साथ साथ सेवा हो, ऐसा प्लान बनाओ। क्योंकि किसी भी सर्विस करने के लिए विशेष स्वयं को स्टेज पर स्थित करना पड़ता है। सेवा में रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन सेवा के हर कदम में कल्याण भरा हुआ है। एक भी यहाँ तक पहुँच जाए यह भी सफलता है। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। सफलता तो समाई हुई है ही, अनेक आत्माओं के भाग्य की लकीर खींचने के निमित्त है। ऐसी विशेष आत्मा समझकर सेवा करते चलो। अच्छा, ओम शांति। 11 अप्रैल 1983 के महावाक्य। सदा हर कार्य में सहयोग देने का शुभ संकल्प। कभी भी किसी भी प्रकार के वातावरण को शक्तिशाली बनाने में सदा सहयोगी। वातावरण को भी नीचे ऊपर नहीं होने देना। सहयोगी बनने के बदले कभी हलचल करने वाले नहीं बन जाना। सदा सहयोगी अर्थात सदा संतुष्ट। एक बाप दूसरा न कोई। चलते चलो, उड़ते चलो। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निरसंकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना यह दूसरी बात है, हलचल में आना यह दूसरी बात है। तो सदा एक रस, संकल्प दिया और निरसंकल्प बने। सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में बिजी रहो और सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। जिस शुभ भावना से जो संकल्प रखते वह सब पूरा हो जाता है। शुभ संकल्प पूरे होने का साधन है एक रस अवस्था, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। इसी से सब बातें संपन्न हो जाएगी। चारों ओर के वातावरण को शक्तिशाली बनाना यही है शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य।
13 अप्रैल 1983 के महावाक्य। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्व शक्तिवान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मत करो, बंधन में नहीं फंसो। अगर बंधन है तो उसको काटने का तरीका है याद, कहने से नहीं छूटेंगे। स्वयं को छुड़ा दो तो छूट जाएंगे। 14 अप्रैल 1983 के महावाक्य। सदा न्यारापन अर्थात अलौकिक जीवन। जैसे वह बोलते चलते गृहस्थी में रहते, ऐसे आप भी रहो तो अंतर क्या हुआ। तो अपने आप को देखो कि परिवर्तन कितना किया है। चाहे लौकिक संबंध में बहू हो सासू हो, लेकिन आत्मा को देखो। बहू नहीं है लेकिन आत्मा है। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। यह आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान में है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति दृष्टि चेंज चाहिए, नहीं तो परिवार में प्रभाव नहीं पड़ता। तो वृत्ति और दृष्टि बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वह आप नहीं कर सकते हो। संग का रंग आपका लगना चाहिए, न कि उन्हों के संग का रंग आपको लग जाए। अपने को देखो, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ। मेरा प्रभाव अज्ञानी पर पड़ता है। अगर नहीं पड़ता तो शुभ भावना नहीं है। बोलने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सूक्ष्म भावना जो होगी उसका फल मिलेगा। 15 मई 1983 के महावाक्य। किसी भी आत्मा के प्रति सदा श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। चाहे कैसी भी आत्मा हो, विरोधी आत्मा हो व स्नेही आत्मा हो, लेकिन पुण्य आत्मा का पुण्य ही है। जो विरोधी आत्मा को भी श्रेष्ठ भावना के पुण्य की पूंजी से उस आत्मा को भी परिवर्तन करे। पुण्य कहा ही जाता है जिस आत्मा को जिस वस्तु की अप्राप्ति हो उसको प्राप्त कराने का कार्य करना, यह पुण्य है। जब कोई विरोधी आत्मा आपके सामने आती है तो पुण्य आत्मा सदा उस आत्मा को, सहन शक्ति से वंचित आत्मा है, उसी नजर से देखेंगे और अपने पुण्य की पूंजी द्वारा, शुभ भावना द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा उस आत्मा को सहन शक्ति की प्राप्ति के सहयोगी आत्मा बनेंगे। उसके लिए यही पुण्य का कार्य हो जाता है। पुण्य आत्मा सदा स्वयं को दाता के बच्चे, देने वाला समझते हैं। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति के लेने वाले की कामना से परे रहते हैं। यह आत्मा कुछ देवे तो मैं दूं, वा यह भी कुछ करे तो मैं भी करूं, ऐसी हद की कामना नहीं रखते। दाता के बच्चे बन सबके प्रति स्नेह सहयोग शक्ति देने वाले पुण्य आत्मा होंगे। पुण्य आत्मा कभी भी अपने पुण्य के बदले प्रशंसा लेने की कामना नहीं रखते, क्योंकि पुण्य आत्मा जानते हैं कि यह हद की प्रशंसा को स्वीकार करना सदा काल की प्राप्ति से वंचित होना है। इसीलिए वह सदा देने में सागर के समान संपन्न रहते हैं। 19 मई 1983 के महावाक्य। यह मेरा शब्द हलचल पैदा करता है। मेरा है कहाँ? मेरापन मिटाना ही सर्व बंधन मुक्त बनना है। मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, उसकी बुद्धि का ताला खोल दो। सिर्फ उन्हों का क्यों सोचते हो? मेरे के भाव से क्यों सोचते? यह कभी भी कोई बच्चे ने अभी तक नहीं कहा है कि मेरे गांव की व देश की आत्मा का ताला खोलो। कहते मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरेपन का भाव बेहद में नहीं ले आता।
इसीलिए बेहद की शुभ भावना हर आत्मा के प्रति रखते हुए सर्व के साथ उन आत्माओं को भी देखो। क्या समझा? तेरा तो तेरा हो गया, मेरा कोई बोझ नहीं। चाहे बाप दादा कहाँ भी सेवा प्रति निमित्त बनावे, तन द्वारा सेवा करावे, मन द्वारा मनसा सेवा करावे, जहाँ रखे, जिस हाल में रखे, चाहे दाल रोटी खिलावे, चाहे 36 प्रकार के पकवान खिलावे, लेकिन जब मेरा कुछ नहीं तो तेरा तू जाने। आप क्यों सोचते हो भगवान अपने बच्चों को सदा तन से, मन से, धन से सहज रखेगा? यह बाप की गारंटी है। फिर आप लोग क्यों बोझ उठाते हो? उस दिन भी सुनाया ना कि सब कुछ तेरा करने वाले हो तो जो बाप खिलावे तो खाओ पियो और मौज करो। याद करो, सिर्फ एक ड्यूटी आपकी है बस, बाकी सब ड्यूटी बाबा आपे ही निभाएंगे। एक ही ड्यूटी तो कर सकते हो ना? मेरा कहते हो तब मन चंचल होता है। यही सोचते हो ना कि यह मुश्किल बात है? मुश्किल है नहीं, लेकिन कर देते हो। मेरेपन का भाव मुश्किल बना देता और तेरेपन का भाव सहज बना देता है। विश्व कल्याण की भावना रखो तो विश्व कल्याण का कर्तव्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। 5 मार्च 1984 के महावाक्य। सेकंड में स्वधर्म का परिचय दे, स्व स्वरूप में स्थित करा सकते हो ना? अपनी वृत्ति द्वारा। कौन सी वृत्ति? इस आत्मा को भी, अर्थात हमारे इस भाई को भी बाप का वर्षा मिल जाए। इस शुभ वृत्ति व इस शुभ भावना से अनेक आत्माओं को अनुभव करा सकते हो। क्यों? भावना का फल अवश्य मिलता है। आप सबकी श्रेष्ठ भावना है, स्वार्थ रहित भावना है, रहम की भावना है, कल्याण की भावना है। ऐसी भावना का फल नहीं मिले यह हो नहीं सकता। जब बीज शक्तिशाली है तो फल जरूर मिलता है। सिर्फ इस श्रेष्ठ भावना के बीज को सदा स्मृति का पानी देते रहो तो समर्थ फल प्रत्यक्ष फल के रूप में अवश्य प्राप्त होना ही है। क्वेश्चन नहीं, होगा या नहीं होगा। सदा समर्थ स्मृति का पानी है, अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना है तो विश्व शांति का प्रत्यक्ष फल मिलना ही है। सर्व आत्माओं की जन्म जन्म की आश बाप के साथ साथ सभी बच्चे भी पूर्ण कर रहे हो और सर्व की हो जानी है। 12 मार्च 1984 के महावाक्य। सदा दूसरे की विशेषता वर्णन करना, यही सेवा में वृद्धि करना है। इसी विधि से सदा वृद्धि हुई है और होती रहेगी। सदैव विशेषता और विशेषता देखने को औरों को सिखाना, यही संगठन की माला की डोर है। मोती भी तो धागे में पिरोते हैं ना, संगठन का धागा है ही यह। विशेषता के सिवाय और कोई वर्णन नहीं, क्योंकि मधुबन महान भूमि है। महाभाग्य भी है तो महापाप भी है। मधुबन में जाकर के अगर ऐसा कोई व्यर्थ बोलता है तो उसका बहुत पाप बन जाता है। इसीलिए सदैव विशेषता देखने का चश्मा पड़ा हुआ हो, व्यर्थ देख नहीं सकते। जैसे लाल चश्मे से लाल के सिवाय और कुछ देखते हैं क्या? तो सदैव यही चश्मा पड़ा हुआ हो विशेषता देखने का। कभी कोई बात देखे भी तो उसका वर्णन कभी नहीं करो। वर्णन किया भाग्य गया। कुछ भी कमी आदि है तो उसका जिम्मेवार बाप है। निमित्त किसने बनाया? बाप ने। तो निमित्त बने हुए की कमी वर्णन करना माना बाप की कमी वर्णन करना। इसीलिए इन्हों के लिए कभी भी बिना शुभ भावना के और कोई वर्णन नहीं कर सकते। 2 अप्रैल 1984 के महावाक्य।
ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है ही, अर्थात बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन। आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। आप ब्राह्मणों का जन्म ही बाप दादा की आशीर्वाद कहो, वरदान कहो, इसी आधार से हुआ है। बाप ने कहा, आप भाग्यवान श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो। इसी स्मृति रूपी आशीर्वाद व वरदान से, शुभ भावना, शुभ कामना से आप ब्राह्मणों का नया जीवन, नया जन्म हुआ है। सदा आशीर्वाद लेते रहना, यही संगम युग की विशेषता है। लेकिन इन सब का आधार सर्वश्रेष्ठ संबंध है। संबंध मेरे मेरे की जंजीरों को, बंधन को सेकन में समाप्त कर देता है। और संबंध का पहला स्वरूप वो ही सहज बात है। बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु और सर्व आत्माएं भी बिंदु। तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। दुनिया की हिसाब में भी बिंदु 10 को 100 बना देता और 100 को 1000 बना देता है। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ, तो महत्व किसका हुआ? बिंदु का हुआ ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। 8 अप्रैल 1984 के महावाक्य। निमित्त भाव रख सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। जहाँ निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं है, वहाँ सदा उन्नति को पाते रहेंगे। यह निमित्त भाव शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः जागृत करता है। आज शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है, उसका कारण निमित्त भाव के बजाय मैंपन आ गया है। अगर निमित्त समझे तो करावन हार बाप को समझे। करण करावन हार स्वामी सदा ही श्रेष्ठ कराएंगे। ट्रस्टीपन के बजाय राज्य की प्रवृत्ति के गृहस्थी बन गए हैं। गृहस्थी में बोझ होता है और ट्रस्टी में हल्कापन होता है। जब तक हल्के नहीं तो निर्णय शक्ति भी नहीं है। ट्रस्टी है तो हल्के है, तो निर्णय शक्ति श्रेष्ठ है। इसीलिए सदा ट्रस्टी है, निमित्त है, यह भावना फलदायक है। भावना का फल मिलता है, तो यह निमित्तपन की भावना सदा श्रेष्ठ फल देती रहेगी। तो सभी साथियों को यह स्मृति दिलाओ कि निमित्त भाव, ट्रस्टीपन का भाव रखो, तो यह राजनीति विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति हो जाएगी। सारा विश्व इस भारत की राजनीति को कॉपी करेगा, लेकिन इसका आधार ट्रस्टीपन अर्थात निमित्त भाव। 10 दिसंबर 1984 के महावाक्य। वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं में भय और चिंता, यह दोनों ही विशेष सभी में प्रवेश है। लेकिन जितने ही वह फिकर में है, चिंता में है, उतने ही आप शुभ चिंतक हो। चिंता बदल शुभ चिंतक के भावना स्वरूप बन गए हो। भयभीत के बजाय सुख के गीत गा रहे हो। इतना परिवर्तन अनुभव करते हो ना। सदा शुभ चिंतक बन शुभ भावना, शुभ कामना की मानसिक सेवा से भी सभी को सुख शांति की अंजलि देने वाले होना। अकाले मृत्यु वाली आत्माओं को अकाल मूरत बन शांति और शक्ति का सहयोग देने वाले होना। क्योंकि वर्तमान समय सीजन ही अकाले मृत्यु की है। जैसे वायु का, समुद्र का तूफान अचानक लगता है, ऐसे यह अकाले मृत्यु का भी तूफान अचानक और तेजी से एक साथ अनेकों को ले जाता है। यह अकाले मृत्यु का तूफान अभी तो शुरू हुआ है। विशेष भारत में सिविल वॉर और प्राकृतिक आपदाएं
ये ही हर कल्प परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। विदेश की रूपरेखा अलग प्रकार की है, लेकिन भारत में यही दोनों बातें विशेष निमित्त बनती है और दोनों की रिहर्सल देख रहे हो, दोनों ही साथ साथ अपना पार्ट बजा रहे हैं। 17 दिसंबर 1984 के महावाक्य। आप सब बच्चे निर्भय होना, क्यों? क्योंकि आप सदा निर्वैर हो, आपका किसी से भी वैर नहीं है। सभी आत्माओं के प्रति भाई भाई की शुभ भावना शुभ कामना है। ऐसी शुभ भावना कामना वाली आत्माएं सदा निर्भय रहती है, भयभीत होने वाले नहीं, स्वयं योग युक्त स्थिति में स्थित है, तो कैसी भी परिस्थिति में सेफ जरूर है। तो सदा सेफ रहने वाले होना, बाप की छत्र छाया में रहने वाले सदा सेफ है। छत्र छाया से बाहर निकले तो फिर भय है, छत्र छाया के अंदर निर्भय है। कितना भी कोई कुछ भी करे, लेकिन बाप की याद एक किला है। जैसे किले के अंदर कोई नहीं आ सकता, ऐसे याद के किले के अंदर सेफ, हलचल में भी अचल, घबराने वाले नहीं। यह तो कुछ भी नहीं देखा, यह रिहर्सल है, रियल तो और है। रिहर्सल पक्का कराने के लिए की जाती है, तो पक्के हो गए, बहादुर हो गए। बाप से लगन है तो कैसी भी समस्याओं में पहुंच गए, समस्या जीत बन गए। लगन निर्विघ्न बनने की शक्ति देती है। बस सिर्फ मेरा बाबा यह महामंत्र याद रहे, यह भूला तो गए, यही याद रहा तो सदा सेफ है। 14 जनवरी 1985 के महावाक्य। शुभ चिंतक बनने का आधार स्वचिंतन और शुभ चिंतन। आज बाप दादा चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे हैं। कौन से विशेष बच्चे हैं जो सदा स्वचिंतन शुभ चिंतन में रहने के कारण सर्व के शुभ चिंतक है। जो सदा शुभ चिंतन में रहता है वह स्वतः ही शुभ चिंतक बन जाता है। शुभ चिंतन का आधार है शुभ चिंतक बनना। पहला कदम है स्वचिंतन। स्वचिंतन अर्थात जो बाप दादा ने मैं कौन की पहली बताई है उसको सदा स्मृति स्वरूप में रखना। जैसे बाप और दादा जो है जैसा है वैसा उसको जानना ही यथार्थ जानना है, और दोनों को जानना ही जानना है। ऐसे स्व को भी जो हूँ जैसा हूँ अर्थात जो आदि अनादि श्रेष्ठ स्वरूप हूँ उस रूप से अपने आप को जानना और उसी स्वचिंतन में रहना, इसको कहा जाता है स्वचिंतन। मैं कमजोर हूँ, पुरुषार्थी हूँ, लेकिन सफलता स्वरूप नहीं हूँ, माया जीत नहीं हूँ, यह सोचना स्वचिंतन नहीं। क्योंकि संगमयुगी पुरुषोत्तम ब्राह्मणात्मा अर्थात शक्तिशाली आत्मा यह कमजोरी वा पुरुषार्थहीन वा ढीला पुरुषार्थ देह अभिमान की रचना है। स्व अर्थात आत्म अभिमानी इस स्थिति में यह कमजोरी की बातें आ नहीं सकती। तो यह देह अभिमान की रचना का चिंतन करना यह भी स्वचिंतन नहीं। स्वचिंतन अर्थात जैसा बाप वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा स्वचिंतन वाला शुभ चिंतन कर सकता है। शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान रत्नों का मनन करना, रचता और रचना के गुह्य रमणीक राजों में रमण करना। एक है सिर्फ रिपीट करना, दूसरा है ज्ञान सागर की लहरों में लहराना अर्थात ज्ञान खजाने के मालिकपन के नशे में रह सदा
ज्ञान रत्नों से खेलते रहना, ज्ञान के एक एक अमूल्य बोल को अनुभव में लाना, अर्थात स्वयं को अमूल्य रत्नों से सदा महान बनाना। ऐसा ज्ञान में रमण करने वाला ही शुभ चिंतन करने वाला है। ऐसा शुभ चिंतन वाला स्वतः ही व्यर्थ चिंतन पर चिंतन से दूर रहता है। स्वचिंतन शुभ चिंतन करने वाली आत्मा हर सेकंड अपने शुभ चिंतन में इतना बिजी रहती है जो और चिंतन करने के लिए सेकंड व श्वास भी फुर्सत का नहीं। इसीलिए वह सदा पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन से सहज ही सेफ रहता है। न बुद्धि में स्थान है न समय है, समय भी शुभ चिंतन में लगा हुआ है। बुद्धि सदा ज्ञान रत्नों से अर्थात शुभ संकल्पों से संपन्न अर्थात भरपूर है। दूसरा कोई संकल्प आने की मार्जिन ही नहीं। इसको कहा जाता है शुभ चिंतन करने वाला, हर ज्ञान के बोल के राज में जाने वाला, सिर्फ साज के मजे में रहने वाला नहीं, साज अर्थात बोल के राज में जाने वाला। जैसे स्थूल साज भी सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, ऐसे ज्ञान मुरली का साज अच्छा बहुत लगता है, लेकिन साज के साथ राज समझने वाले ज्ञान खजाने के रत्नों के मालिक बन मनन करने में मगन रहते हैं। मगन स्थिति वाले के आगे कोई विघ्न आ नहीं सकता। ऐसा शुभ चिंतन करने वाले स्वतः ही सर्व के संपर्क में शुभ चिंतक बन जाता है। स्वचिंतन फिर शुभ चिंतन, ऐसी आत्माएं शुभ चिंतक बन जाती है, क्योंकि जो स्वयं दिन रात शुभ चिंतन में रहते वह औरों के प्रति कभी भी न अशुभ सोचते न अशुभ देखते। उनका निजी संस्कार व स्वभाव शुभ होने के कारण वृत्ति दृष्टि सर्व में शुभ देखने और सोचने की स्वतः ही आदत बन जाती है। इसीलिए हरेक के प्रति शुभ चिंतक रहता है। किसी भी आत्मा का कमजोर संस्कार देखते हुए भी उस आत्मा के प्रति अशुभ व व्यर्थ नहीं सोचेंगे कि यह तो ऐसा ही है, लेकिन ऐसी कमजोर आत्मा को सदा उमंग उल्लास के पंख दे शक्तिशाली बनाए ऊंचा उड़ाएंगे। सदा उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। शुभ चिंतक अर्थात ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाले, शुभ चिंतन के खजाने से कमजोर को भी भरपूर कर आगे बढ़ाएगा। यह नहीं सोचेगा इसमें तो ज्ञान है ही नहीं, यह ज्ञान के पात्र नहीं, यह ज्ञान में चल नहीं सकते। शुभ चिंतक बाप दादा द्वारा ली हुई शक्तियों के सहारे की टांग दे लंगड़े को भी चलाने के निमित्त बन जाएंगे। शुभ चिंतक आत्मा अपनी शुभ चिंतक स्थिति द्वारा दिल शिकस्त आत्मा को दिल खुश मिठाई द्वारा उनको भी तंदुरुस्त बनाएगी। दिल खुश मिठाई खाते हो ना, तो दूसरे को खिलाने भी आती है ना। शुभ चिंतक आत्मा किसी की कमजोरी जानते हुए भी उस आत्मा की कमजोरी भुलाकर अपनी विशेषता के शक्ति की समर्थी दिलाते हुए उसको भी समर्थ बना देंगे। किसी के प्रति घृणा दृष्टि नहीं, सदा गिरी हुई आत्मा को ऊंचा उड़ाने की दृष्टि होगी। सिर्फ स्वयं शुभ चिंतन में रहना व शक्तिशाली आत्मा बनना यह भी फर्स्ट स्टेज नहीं, इसको भी शुभ चिंतक नहीं कहेंगे। शुभ चिंतक अर्थात अपने खजाने को मनसा द्वारा वाचा द्वारा अपने रूहानी संबंध संपर्क द्वारा अन्य आत्माओं प्रति सेवा में लगाना।
शुभचिंतक बने हो, सदा वृत्ति शुभ, दृष्टि शुभ, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शुभ दिखाई देगी। वैसे भी साधारण रूप में कहा जाता है शुभ बोलो। ब्राह्मण आत्माएं तो है ही शुभ जन्म वाली, शुभ समय पर जन्मे हो। ब्राह्मणों के जन्म की घड़ी अर्थात वेला शुभ है ना? भाग्य की दशा भी शुभ है, संबंध भी शुभ है, संकल्प कर्म भी शुभ है। इसीलिए ब्राह्मण आत्माओं के साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी अशुभ का नाम निशान नहीं। ऐसी शुभचिंतक आत्माएं हो ना, स्मृति दिवस पर विशेष आए हो। स्मृति दिवस अर्थात समर्थ दिवस, तो विशेष समर्थ आत्माएं हो ना। बाप दादा भी कहते हैं सदा समर्थ आत्माएं समर्थ दिन मनाने भले पधारे। समर्थ बाप दादा समर्थ बच्चों का सदा स्वागत करते हैं। समझा? 21 जनवरी 1985 के महावाक्य। दिव्य बुद्धि की गिफ्ट अलौकिक विमान है। जिस दिव्य विमान द्वारा सेकंड के स्विच ऑन करने से जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। स्विच है संकल्प। साइंस वाले तो एक लोक का सैर कर सकते, आप तीनों लोकों का सैर कर सकते हो। सेकंड में विश्व कल्याणकारी स्वरूप बन सारे विश्व को लाइट और माइट दे सकते हो। सिर्फ दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। जैसे उन्होंने विमान द्वारा हिमालय के ऊपर राख डाली, नदी में राख डाली, किस लिए? चारों ओर फैलाने के लिए ना। उन्होंने तो राख डाली, आप दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। विमान तो शक्तिशाली है ना, सिर्फ यूज करना आना चाहिए। 16 फरवरी 1985 के महावाक्य। आप भाग्यवान आत्माओं के श्रेष्ठ कर्म चरित्र के रूप में अब तक भी गाए जा रहे हैं। आप भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना का श्रेष्ठ संकल्प दुआ के रूप में गाए जा रहे हैं। किसी भी देवता के आगे दुआ मांगने जाते हैं। 18 फरवरी 1985 के महावाक्य। मन से स्वयं सदा मन से शांति स्वरूप बन, सदा हर संकल्प में शक्तिशाली बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दाता बन, सुख शांति के शक्ति की किरणें वायुमंडल में फैलाते रहो। जब आपकी रचना सूर्य चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाते रहते हैं, तो आप मास्टर रचिता, मास्टर सर्वशक्तिवान, विधाता वरदाता भाग्यवान प्राप्ति की किरणें नहीं फैला सकते हो। संकल्प शक्ति अर्थात मन द्वारा एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना सकते हो। 21 फरवरी 1985 के महावाक्य। बाप दादा की पालना का पानी फूलों को देते हुए अच्छे अच्छे रूहानी गुलाब बाप के सामने लाओ। सदा बाप समान निमित्त बन, अनेक आत्माओं के कल्याण करने की शुभ भावना से आगे बढ़ते रहो। बाप समान निमित्त बनने वाली आत्माओं की सदा सफलता है ही। 4 दिसंबर 1985 के महावाक्य। बाप की शुभ भावना, जो भी सब बच्चों की शुभ कामनाएं है, परिस्थिति प्रमाण सहयोग की भावना है,
व शुभकामना है। वह सभी शुभकामनाएं बाप दादा की श्रेष्ठ भावना से संपन्न होती ही जाएगी। ओम शांति।